फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुस्कान भारती ब्लॉग चैनल। तो आज हमारी अपनी रसोई में कुछ बन रहा है, मीन्स की सब्जी तो नहीं बनाने मन कर रहा है और मिजाज कुछ अलग खाने का है, तो उसी सब्जी वाले डिश से बनाएंगे हम कुछ अलग जो हमारे मन को भी भावे और हमारे पेट भी भर जाए। तो सासू माँ को भी मन नहीं कर रहा है सब्जी खाने का और मुझे भी नहीं, हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, तो इसीलिए कुछ बना लेते हैं अपने पसंद का और उसका एंजॉय करते हैं। और अभी हमने शाम का चाय पी लिया है, तो देखिए अभी मैं गैस पर ही रखी हूँ, अभी उसको हटाई भी नहीं हूँ और गैस पर ही है। और आज कुछ बनाए थे दोपहर में तो उसका तो स्वाद चला गया, लेकिन फिर शाम हो गई है, चाय नाश्ता हो गया है, अब हम बनाएंगे डिनर। और डिनर में आज मैं बनाऊंगी, तो आप लोग भी देखिए अगर कभी आपको मन ना करे सब्जी बनाने का तो उसी वाले सब्जी से कुछ हम अलग बना सकते हैं और खा लेंगे। कि वो सब्जी जो हम आज सब्जी नहीं खाना खाएंगे, इसका हम बनाएंगे पकोड़े, इसका आज हम पकोड़े तलेंगे। तो देखिए मैंने पतले पतले पीसेस में इसको कट कर लिया है, देखिए हमने इसको पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है, बहुत ही स्लाइस पीसेस में। और इधर है हमारा बेसन, जिसके अंदर ये जाएगा डीप हो करके और फ्राई हो जाएगा और बन जाएगा बैंगनी। तो इसको आज हम लोग चाव से खाएंगे रोटी के साथ में, या फिर देखते हैं पूरी या रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कभी जब शॉर्टकट में निभाना निपटाना होता है तो कुछ मैं इस तरह का ही आइडियाज अपना लेती हूँ। और पता नहीं आप लोग क्या करते हो, क्योंकि अभी कुछ मेंबर कम है, बाबूजी गए हैं घर और अभी हम माँ हैं और राजवीर हैं, तो राजवीर नाश्ता कर लिया है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी मैं बना के खिला दूंगी। और इधर आज मैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट डालूंगी आप देखिए, जो कि अच्छा लगता है खाने में। तो सबसे पहले ये रहा बेसन, है ना, दूर से दिखा रही है क्योंकि मेरा जो ये ट्राईपॉड है ना थोड़ा छोटा वाला है, बड़ा वाला खराब हो चुका है। तो इधर है बेसन, और बेसन हम थोड़ा सा ही लिए हैं देखिए, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा मेंबर है नहीं, तो थोड़ा सा बेसन ली हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो इसको और भी बेहतर बनाएगा। बनाती हूँ, इसमें कुछ हरी हरी मिर्च डालूंगी ताकि इसका स्वाद थोड़ा तीखा चटपटा और बहुत ही मजेदार बने। इसको पहले हम कट कर लेते हैं मिर्ची को, थोड़ी सी जाएगी हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा आटा भी लगा देती हूँ, देखिए थोड़ा से आटा ऐसे सान रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बैटर बनके तैयार हो गया है और कढ़ाई में हम ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए हैं और गर्म हो चुकी है। तो देखिए हम इसको फटाफट इसमें डीप फ्राई करके अच्छे से तल लेंगे और इस शाम का मतलब नाश्ता तो नहीं कर सकते, इसको हम डिनर में ही निपटा लेंगे। तो बनाना शुरू हो गया है और फ्रेंड्स मैं अपना मतलब कुछ बातें बताऊंगी, क्योंकि ये जो बैंगनी है ना, पहले बचपन में जब मैं थी मेरा बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि मेरी माँ इसको बहुत ही अच्छे से बनाती थी और अभी मैं मिस कर रही हूँ इस इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हीं के हाथों से मैं खा करके इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ होली पर बहुत ज़्यादा बनती थी, कुछ मैंने बने या ना बने बैंगनी बनाना बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी हो जाता था, बैंगनी बहुत ही अच्छा लगता था जब हम चाव से खाते थे, इसलिए माँ बनाती भी थी। तभी मैं मिस कर रही हूँ बैंगनी को, माँ के हाथ का बना हुआ खाना हर समय नहीं मिलता है तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सीखी हुई रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक माँ से सीखी हुई हूँ और एक माँ को खिलाऊंगी बना करके, क्योंकि हमारा जो बचपन का जो समय होता है मायके में बहुत ही अनोखे तरीके से बीतता है, क्योंकि बना बनाया खाना मिलता है और यहाँ पे खुद बना करके खाना होता है और खिलाना होता है। तो देखिए हमारी बैंगनी बातों ही बातों में बन के तैयार हो गई है, आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर ये ब्लॉग छोटी सी ब्लॉग आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए तेल गर्म है और उसी तेल पर हम पूरियाँ को भी तल ले रहे हैं, क्योंकि
कि ज़्यादा तेल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तेल है ज़्यादा दिन तक स्टोर हम रखेंगे तो हमारे सेहत के लिए भी सही नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, कम ही तेल में पूरियाँ को अभी तल रही हूँ, और अगर कुछ तेल बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट डे सुबह में सब्जी या फिर पराठे बना करके थोड़ा सा इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए पूरियाँ हमारी गोल गोल करारी करारी फूल रही है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह करारी करारी फूली हुई पूरियाँ, और गर्मा गर्म पूरियाँ हो तो और भी मज़ेदार लगती है खाने में। तो देखिए हमारी ये पूरियाँ बन के तैयार हो गई है, और आप लोग भी डिनर कर लीजिए, क्योंकि हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि जब मेंबर कम रहते तो ज़्यादा मुझे भूख लगने लगती है, क्योंकि अभी बनाने उतना बनाना होता नहीं है, और माइंड में सिर्फ लग रहा है कि जल्दी से खा लें और भूख को मिटा लें। तो देखिए बनके तैयार हो गई है, और अब मैं परोस करके अपनी सासू माँ को भी दे दूँगी, और मैं खुद के लिए भी निकाल लूँगी। और राजवीर तो इधर बन रहा था और खा रहा था, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए अब मैं परोस रही हूँ, और आप लोग आई होप आप लोग को अच्छी लगी ब्लॉग, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक एंजॉय करें गर्मा गर्म पूरियाँ और बैंगनी। इधर माँ खा रही है बीवी को देखते हुए, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। माँ का प्लेट खाली हो गया है, ये है मेरा प्लेट, देखिए मैं खा रही हूँ पकौड़े को, बैंगनी को डालती हूँ पूरी में, और उसके बाद मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देखिए तो ये देखिए लीजिए आप लोग खाइए, और मैं भी खा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।